हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आज हम जो पाठ के प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं वह है दसवें पाठ सुभाषित रत्नानी। तो इसकी सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर एक, पृथ्व्याम तीसु रत्नीसु एतत् न गण्यते। पृथ्वी पर तीन जो रत्न है उन तीन रत्नों में यह नहीं गिना जाता है, तो कौन सा है इसमें से? जलम, अन्नम, धनम, सुभाषितम। तो इसमें उत्तर होगा धनम। नंबर दो, पन्नक शब्दस्य अर्थो अस्ति। पन्नक शब्द का अर्थ है, कौन सा अर्थ है इसमें? पत्राम नगय पर्वत वा गरुड़ सर्प। तो पन्नक का अर्थ होता है सर्प। नंबर तीन, कस्य धनम बदाय भवती। किसके लिए धन घमंड के लिए होता है? खलस्य सजनस्य धनिकस्य या सर्वस्य? तो खलस्य दुष्ट के लिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न, अहिंसा अस्ति। अहिंसा है, परमो धर्म परमम तप परमम सत्यम या उपयुक्तम सर्वम अपि। तो इसका होगा उपयुक्तम सर्वम अपि। अगला प्रश्न इसमें है, खल परिछिद्राणी पश्यति इत्यस्य छिद्रम इत्यस्य अर्थोस्ति। यहाँ जो छिद्र पद है इस पंक्ति में उसका अर्थ क्या है? तो है विवरम दोष गुण बिलम। तो इसका उत्तर होगा दोष। अगला प्रश्न है, पुरतः यदि कश्चित आदताई आयाति तरही स। तो इसका उत्तर होगा इसमें सत्वरम अंतव्य है। प्रश्न नंबर सात इसमें है, प्रीति विसंभाजनम क भवती। इसका उत्तर इसमें है मित्राम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दानम करणीयम। उत्तर होगा इसका सदैव। अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें है, अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। इसका उत्तर इसमें होगा आ, साधो विद्या विवादाय भवति। अब है इसमें एक पदे। प्रश्न नंबर एक, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दियंताम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, सुभाषिताम इति पदस्य को अर्थः। सुभाषित पद का क्या अर्थ है? सुभाषित पद का अर्थ है तद वाक्यम वाक्यांशु वा सुभाषितमिति उच्यते। वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहलाता है या जो श्रुत्वा मन संतोषः सुखानुभूतिः च जायते। जो सुनकर मन को संतोष होता है, सुख की अनुभूति होती है। यत अन्येषां मनः क्लेशाय च भवेत्। जो दूसरों के मन को पीड़ा नहीं देता है। यस्य प्रयोगः अप्रेषाम अनादराय न स्यात्। जिसके प्रयोग से दूसरों का अनादर ना हो। यत सत्य पूतम हितावहम च भवेत्। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। जो पवित्र हितकर होना चाहिए, जहाँ नैतिकता बुद्धिमता और विवेकशीलता हो। प्रश्न नंबर दो है इसका, पृथ्व्यां कियन्ति रत्नानि कानि च तानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वे क्या हैं? तो उत्तर है इसका,
पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, कौन कौन से? जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम च और सुभाषित। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गह है मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों द्वारा रत्न की संज्ञा कहाँ दी जाती है? उत्तर होगा इसका मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न घ इसमें है पात्रा पात्र विवेक केन तुल्यम भवति, पात्र अपात्र विवेक किसके समान होता है? उत्तर होगा इसका पात्र पात्र विवेको धेनुपन्न गयो इव भवति, पात्र अपात्र विवेक गाय और सांप की तरह होता है। प्रश्न अड़े इसमें है अजरामवरत किम चिंतयेत प्राज्ञ, अजर अमर की तरह विद्वान को क्या सोचना चाहिए? इसका उत्तर होगा अजरामरवत प्राज्ञ विद्यामरथम चिंतयेत, अजर अमर की तरह मनुष्य को विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए, विद्या अर्थम च विद्या और धन के बारे में। अगला प्रश्न इसमें है कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को कहाँ लज्जा त्याग देनी चाहिए? उत्तर है इसका धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रेषु आहारे व्यवहारे च सुखार्थिना लज्जा त्यक्त्वा, कहाँ लज्जा त्यागनी चाहिए सुख चाहने वाले को? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या अर्जन में, आहार और व्यवहार में सुख चाहने वाले को लज्जा त्याग देनी चाहिए। अगला प्रश्न इसमें है मित्रम इति पदम द्वयाक्षरम वा सार्ध द्वयाक्षरम वा, मित्रम जो पद है इसमें इस शब्द में दो अक्षर है या ढाई अक्षर है? उत्तर होगा इसका सार्ध द्वयम्, इसमें ढाई अक्षर है। प्रश्न जय धनस्य पुर्यताम हर्ता च को अस्ति, धन को पूरा करने वाला और हरने वाला कौन है? उत्तर है हरि है, भगवान विष्णु यही धन देते हैं और यही धन का को ले लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर दो क खंडम ख खंडेन सह यथोचितम योजयतु, क खंड को ख खंड के साथ यथोचित योग कीजिए जोड़िए। तो हम इसको मिलाते हैं, सबसे पहले हमारे पास में है खलह, तो खल इसमें मिलेगा छिद्रा अन्वेक्षणम, पात्रम धेनुः, अपात्रम पन्नगः, खननम खनित्रम, मित्रम शोकारति परित्रणम, रामः वानर सांग्यक विद्या, ये होगा ज्ञानाय विवादाय च, शक्तिः रक्षणाय परपीडनाय च, धनम दानाय और मदाय च, गोपाल सांग्यकः इसका मिलान होगा कृष्ण। अगला प्रश्न इसमें है अधो लिखित पदानाम पर्याय पदानि पाठात आकृष्य लिखन्तु, निम्नलिखित पदों के पर्याय पाठ में से चुन करके लिखिए। तो यहाँ
पाठ में से चुन करके लिखे हुए हैं पहले से ही। तो देखिए इसमें उत्तर इसका है, पद दिए हुए हैं पानीयम, इसका पर्याय होगा जलम या वारी। गाओ धेनु है, दुर्जन है, खल है, शत्रु है, राति है, वासुदेव है, कृष्ण है, दुग्धा पय है, सर्प है, पन्नग है, धनाम इसका पर्याय है अर्थाम, भाग्यम का है विधि और सुहर्द का है मित्रा। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखें। पद यहाँ दे रखे हैं दुर्भाषितम, इसका विलोम पाठ से चुना गया है सुभाषितम, सज्जन है का खलह, दुखी सुखी, अनुकूल प्रतिकूल, गुण है दोष, संपन्नता दरिद्रता, नीचे है उच्चे है, प्रत्यक्षम परोक्षम, हिंसा अहिंसा और अदेयम का विलोम पदों का देयम। अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न नंबर 5, स्थूल स्थूला अक्षर पद्माश्रित्य उदाहरणम अनुसृत्य च संस्कृतेन प्रश्नवाक्य निर्माणम क्रियताम। मोटे अक्षर वाले पदों को आश्रय लेकर उदाहरण का अनुसरण करते हुए संस्कृत में प्रश्न वाक्य बनाइए। सबसे पहले हमारे पास में जो वाक्य दे रखे हैं वो हैं, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। यहाँ जो स्थूल पद है वो है सर्वे जंतवः, सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, तो कौन संतुष्ट होते हैं इसलिए यहाँ आएगा सर्वे जंतवः की जगह के। काको न गरुड़ायते, काको स्थूल पद है तो काको की जगह आएगा कह। कौन गरुड़ नहीं होता है तो कौन की जगह लिखेंगे हम, काको की जगह कह। अगला इसमें नंबर 3 है, खलस्य विद्या विवादाय भवति, स्थूल पद खलस्य दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, तो प्रश्न बनता है किसकी विद्या विवाद के लिए होती है, तो इसलिए खलस्य की जगह आएगा कस्य। साधो है विद्या ज्ञानाय भवति, स्थूल पद है ज्ञानाय ज्ञान के लिए, तो साधो की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए होती है, तो किसके लिए होती है साधु की विद्या, तो किसके लिए के लिए यहाँ प्रश्न जो बनेगा वो है कस्मे, ज्ञानाय की जगह कस्मे, तो साधो विद्या कस्मे भवति। नंबर 5, वर्जये तादृशं मित्रम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, तो कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, तो तादृशं की जगह आ जाएगा कीदृशं, कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। नंबर 6 है, आततायिन हन्यात, स्थूल पद आततायिन, आततायियों को मार देना चाहिए, किसको मार देना चाहिए प्रश्न बनता है, तो आततायिनम की जगह होगा प्रश्न कम, कम हन्यात। अंतिम इसमें है नंबर 7, विद्यो अनुकूले देयम, विद्या इसकी जगह विद्यो अनुकूले, तो विद्यो की जगह यहाँ पर आ जाएगा कस्मीन, कस्मीन अनुकूले देयम। अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदानि आदृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य निर्माणम क्रियताम। निम्नलिखित पदों को आधार मान करके उदाहरण का अनुसरण कर संस्कृत में वाक्य निर्माण कीजिए, तो यहाँ वाक्य निर्माण कर रखे हैं मैंने। देखिए इसमें सबसे पहला पद है इसमें दरिद्रता,
वाक्य बनेगा इसका, दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवती, गरीबी हमेशा दुख देने वाली होती है। दूसरा पद है त्रीणि, तो इसको लेकर के वाक्य बनाया है, त्रीणि फलानि पतन्ति, तीन फल गिर रहे हैं। यथा, तीसरा पद है हमारे पास में, यथा यथा जलम वर्षति तथा तथा नद्यः वहन्ति, जैसे जैसे जल की वर्षा होती है वैसे वैसे नदी बहती है। नंबर चार में हमारे पास ईव, पात्रा पात्र विवेकः धेनु पन्न गयोर्वि ईव अस्ति, पात्र और अपात्र विवेक गाय और सांप की तरह ही है। नंबर पांच पे पद है सुखी, सुखी को लेकर के वाक्य बनाया है, त्यागत लज्जः सुखी भवेत, लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है। अगला पद है कश्चन, हन्तुः कश्चन दोषः न भवति, मारने वाले को किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। नंबर सात जो पद है वो है धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। और अंतिम पद हमारे पास दिया गया है रामः, इसका वाक्य बनाया गया है, रामः वानर सांगिकः, राम वानर के संगी हैं। अगला प्रश्न इसमें है, अब है निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर एक है, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, रत्न संज्ञा विधीयते, अस्य सुभाषितस्य हिंद्यर्थ लिख्यताम्, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि संज्ञा विधीयते, इस सुभाषित का हिंदी अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले तो इसका श्लोक पूरा करते हैं हम, इसमें पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन, मूर्खों के द्वारा केवल पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न की संज्ञा देते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ नीचे दे रखा है, हिंदी अनुवाद है इसका। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है, प्रश्न नंबर दो है, विद्या विवादाय रक्षणाय, अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या क्रियताम, विद्या रक्षणाय इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इसका श्लोक पूरा, श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मितत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब हम इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, सहप्रसंग व्याख्या, व्याख्या है इसकी प्रसंग। सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं, श्लोको अयम अस्माकम स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात उद्धृतः, यह श्लोक हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि इस पाठ से लिया गया है। श्लोके अस्मिन् कविः कथयति, इस श्लोक में कवि कहते हैं, यद् दुर्जनः सदैव विद्यादीनां दुरुपयोगं करोति परच सज्जनस्य इदं सर्वं विपरीतं भवति। क्या कहते हैं इसमें कवि कि दुर्जन हमेशा विद्या आदि का दुरुपयोग करते हैं, परंतु सज्जन यह इनका विपरीत होता है, अर्थात सज्जन जो है वो विद्या आदि का हमेशा सदुपयोग करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ नीचे दे रखा है। इसके बाद में है इसकी व्याख्या, दुर्जनाम विद्या अन्य सह विवादाय भवती, दुर्जनों की विद्या जो है वो दूसरों के साथ हमेशा विवाद के लिए होती है। तेषां धनम दर्पाय बलम अन्येषां पर पीड़नाय भवति, उनका धन घमंड के लिए और शक्ति हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है।
परच परंतु सज्जनस्य तू येति सर्वे विरुद्धम अन्यत एव भवन्ति, परंतु सज्जन जो है वो इसके विपरीत होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं, अर्थात वो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। सज्जनानां विद्या ज्ञानाय भवति, सज्जनों की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। बलम च अन्येषां रक्षणाय भवति, और बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है। एवं दुर्जनाः गुणानामपि दुरुपयोगं कुर्वन्ति, सज्जनाः च सदुपयोग एव गुणान् धारयन्ति। दुर्जन जो होते हैं वो गुणों का हमेशा दुरुपयोग करते हैं, जबकि सज्जन सदुपयोग करने के लिए गुणों को धारण करते हैं, यानी उनके पास अगर गुण हैं तो वो उसका सदुपयोग करते हैं। इस व्याख्या का हिंदी अनुवाद दे रखा है, नीचे लिखा है मैंने। दुर्जनों की विद्या दूसरों के साथ विवाद के लिए, ये इसका हिंदी अनुवाद है। प्रश्न नंबर 3 इसमें है, अस्मिन् पाठे सन्मित्रस्य कुमित्रस्य च विषये किं प्रतिपादितम् अस्ति लिख्यताम्। इस पाठ में अच्छे और बुरे मित्र के विषय में क्या प्रतिपादित किया गया है वो लिखना है। उत्तर इसका होगा, यह शोकारति परित्राणां विप्रीति विश्वासः पात्रं च भवति सह सन्मित्रं। जो शोक रूपी शत्रु से रक्षा करता है प्रेम और विश्वास का पात्र होता है, वही अच्छा मित्र होता है। परच परंतु यह परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्ष प्रियवादी भवति सह कुमित्रं भवति। परंतु जो पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाला होता है और मुंह पर मीठी बातें करता है वह कुमित्र होता है, अर्थात बुरा मित्र होता है। यानी कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे दूसरों हमारे सामने ही हमारे अवगुणों को प्रकट करता है और दूसरों के सामने हमारा हमारे लिए मीठा बोलता है, जबकि बुरा मित्र कैसा होता है, पीठ के पीछे हमारी बुराई करेगा लेकिन हमारे सामने वो हमेशा मीठा बोलेगा। तो ऐसे मित्रों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।